कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर दिसंबर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन कर सकते हैं। इस बीच झारखंड में कांग्रेस का जन जागरण अभियान जोर शोर से चल रहा है। 17 जिलों में ये अभियान प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर की अगुवाई में चलाया जा चुकी है। एक रिपोर्ट देखिए। 5 साल से कमेटी के बिना चल रही प्रदेश कांग्रेस में जल प्रदेश कमेटी का गठन प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर कर सकते हैं। नई टीम कैसी होगी, किसको जगह मिलेगी, इसका आकलन जन जागरण अभियान से भी किया जा रहा है। 14 नवंबर से शुरू हुए जन जागरण अभियान को लेकर राजेश ठाकुर 4 प्रमंडल का दौरा कर चुके हैं। प्रदेश अध्यक्ष के साथ राज्य के दौरे में मौजूद कार्यकारी अध्यक्ष सह विधायक बंधु तिर्की ने कहा कि इस अभियान के जरिए कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का भी संचार हुआ है। लहान दक्षिणी छोटा नागपुर, पलामू प्रमंडल, उत्तरी छोटा नागपुर मिला करके 17 जिला हम लोगों ने पूरा जन जागरण अभियान में हम लोग पूरा कर लिए हैं। लोगों का अपार समर्थन, कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा जा रहा है। एक नई जोश और खरोश के साथ लोग इस जन महंगाई का विरोध में लोग खड़ा हो रहे हैं। लंबे समय से संगठन का स्वरूप झारखंड कांग्रेस का नहीं बन पाया। दो पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार और डॉक्टर रामेश्वर राव अपने अध्यक्ष काल में प्रदेश कमेटी तक नहीं बना सके। कांग्रेस नेता शमशेर आलम का कहना है कि जन जागरण के जरिए जहां मोदी सरकार की नीतियों और विफलताओं से जनता को अवगत कराया जा रहा है, वहीं संगठन के भावी स्वरूप का भी आकलन प्रदेश अध्यक्ष कर रहे हैं। कार्यक्रम जो है ये केंद्र द्वारा दिया गया कार्यक्रम है, लेकिन जिस तरह से हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने इसे चुनौती के रूप में लिया, हम लोग संगठन मजबूती के साथ साथ संगठन में जो हमारे सक्रिय कार्यकर्ता है उनका भी हम लोग आकलन कर रहे हैं। साथ ही साथ भाई नरेंद्र मोदी के किए गए कार्यों की भी लोगों को बता रहे हैं कि किस तरह उनके केंद्र सरकार की जो विफलता है उसको भी हम लोग उजागर करने का काम कर रहे हैं। अपने पार्टी के नीति सिद्धांतों और अपने सरकार के किए गए विकास कार्यों को भी हम जनता के बीच ला रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस की नई टीम का इंतजार कांग्रेसी बेसब्री से कर रहे हैं। प्रदेश कमेटी में जगह हासिल करने के लिए नेताओं की सक्रियता साफ नजर आ रही है। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के लिए जन जागरण अभियान एक बड़े मौके के रूप में भी आया है, जिससे वो इस देशव्यापी अभियान के जरिए अपनी टीम के लिए संभावित चेहरों का भी आकलन नजदीक से कर पा रहे हैं। साथ ही जिला अध्यक्षों के कार्यों की भी समीक्षा इस माध्यम से हो जा रही है। न्यूज 11 भारत के कैमरा पर्सन राज्य के साथ विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।